हाँ भाई, कैसे हो बच्चों? आज हम बात कर रहे हैं जिन बच्चों का अपना ड्रीम कॉलेज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो IIT हो कि NIT हो या कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो। बच्चों ने कहा कि सर हमसे भी तो बात करो, तो मैंने लास्ट टाइम कहा था आप जो भी कुछ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके लिए कुछ उसके हिसाब से चर्चा के आऊँगा। तो सबसे पहले मस्ती से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें मस्ती की मिल रही होगी, नई नई बातें रोज़ आती हैं, आपको उस पर एनर्जी नहीं लगानी। अभी आ गया जैसे कि अब असेसमेंट का तरीका क्या होगा, तो गवर्नमेंट के लिए जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो वो उन्होंने दे दिया। आपको देखना है कि 10th 11th तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो हो गया जो हो गया, लेकिन 12th अभी आपको एक तरह से प्रमोट कर दिया गया था, एक तरह से कैंसिल करके बोला कि ठीक है 12th से फ्री हो जाओ। लेकिन अभी इतनी सी बात है कि 12th का हमारा जो NCERT ट्रैक है उसको मत छोड़ना, हो सकता है उसके लिए लास्ट में कुछ बात अलग करूँ मैं आपसे। अभी आप आ जाओ अपने JEE, आज सेशन को नाम दे रहे हैं अ फैक्ट फॉर JEE 2021। ये फैक्ट का मतलब क्या है? या फैक्ट का मतलब है फाइनल एंड क्लियर ट्रैक JEE के लिए, पहले ईयर भी मत बात करो 2021। और अभी जो फैक्ट 12 के लिए चल रहा है उसको भी बाद में समझेंगे, तो पहले अपन देखें ये फैक्ट यहां पर फाइनल एंड क्लियर ट्रैक क्या है। आपको मालूम है ट्रैक आपका चलता है JEE मेंस से आपको JEE एडवांस तक जाना है। इस समय तीन अगर खास बातें सोचें, एक तो IIT है, एक NIT है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जो बच्चे इस 4 अटेम्प्ट के हिसाब से अपने ट्रैक पे चल रहे हैं उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ वैरायटी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको लग जाएगा उनका फाइनली माइंडसेट क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्लियर क्या हो गया है, इसलिए इसको नाम ही दिया फाइनल एंड क्लियर ट्रैक। पहली वैरायटी जहाँ बच्चे हो चुका है यार बस ठीक है अब मेरा आराम से ये जो स्कोर आ रहा है JEE मेंस का इससे मेरा एडमिट कार्ड बदल के एडवांस का हो जाएगा, 15 लाख से निकल के मैं आराम से 2.5 लाख में आ जाऊँगा, तो फोकस कर चुके हैं केवल एडवांस के लिए। बहुत अच्छी बात है, उनको पूरा विश्वास है अब IIT के लिए हिसाब से जो है, और उसमें भी खास टॉप 8 IITs आप जानते कौन कौन सी, मैं केवल IIT वर्ड कॉमन बोल रहा हूँ, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, उसके बाद आपका खड़गपुर, गुवाहाटी, BHU और रुड़की, ये 8 IIT खास हैं। इसके बाद तो बाकी एक नाम की IIT है, हर स्टेट में IIT खुल गई है, लेकिन वहाँ भी एकेडमिक सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ से कोई बैच पास आउट तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने अपने को फोकस कर लिया पहली वैरायटी कि हम बस अपने स्कोर को इतना डेवलप कर चुके हैं कि कोई भी कट ऑफ जाए हम आराम से उसके लिए अपना एडमिट कार्ड चेंज होके हमारे पास आ जाएगा एडवांस का, नंबर 1 वैरायटी। नंबर 2 वैरायटी जिन्होंने सोचा है कि यार जब तक हमारा अच्छा स्कोर नहीं आएगा मेंस का हम अटेम्प्ट करते रहेंगे, ड्रीम तो हमने IIT का पाल रखा था, 10 के बाद हम 2 साल के ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन जब तक अच्छा स्कोर नहीं आ जाएगा तब तक हम ये करते रहेंगे, ऐसे बच्चों को मेरे हल्की से एडवाइस है इस तरह की चीज मत पालो कि 100% आएगा तभी करेंगे। जब आपने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन एक IIT मान रखा है और आपको भी लग रहा है कि स्कोर हमारा सफिशेंट है, आराम से कट ऑफ जो भी होगा किसी भी सिस्टम से एसेस किया जाए, हमको एडवांस से कोई रोक नहीं सकता, तो आपको अपने को भी एडवांस के लिए फोकस कर देना चाहिए। तीसरी वैरायटी जिनको अपने पढ़ाई के ट्रैक से लग गया, क्लियर हो गया कि 2 साल के अंदर की यार वास्तव में जो एडवांस है उसका नाम ही एडवांस है, यानी हमको बहुत एडवांस चलना है और वहाँ जो नेचर है उसके हिसाब से अपने को तैयार करना है, तो उनको 2 साल के ट्रैक में लग गया कि वो IIT जहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेमिंग, न्यू डिज़ाइन, न्यू क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पैटर्न अनसर्टेन होता है, जहाँ पे कितने तरीके मार्किंग के पैटर्न होता है, कहाँ पार्शल मार्किंग होगी, कहाँ नेगेटिव फुल मार्किंग होगी, और वो भी पहले से फिक्स नहीं है, नया कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कहते हैं वहाँ सब्जेक्ट में हर बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट भी कैसे कि अगर एक सब्जेक्ट में अलग अलग सेक्शन के एक्सपर्ट मिलकर चैप्टर कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन को फ्रेम करें, तो अगर 4-5 ऐसी तरह की अगर माइंड्स खोपड़ी कह दूं अगर मैं मिलकर एक क्वेश्चन को बनाए तो उसका भी हमें तोड़ निकालना आना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। यूं कह दीजिए जैसे हम कहीं बोरिंग करते हैं तो नीचे बोरिंग में पानी कैसे अंडरग्राउंड में आपस में कनेक्ट होता है, तो वो जो चैप्टर का आपस का कनेक्शन है उस कॉम्बिनेशन तक हमारा डेप्थ, हमारी ग्रिप आ जानी चाहिए, वो जकड़ पकड़ डेवलप हो जानी चाहिए, वो है नीड JEE एडवांस की। जहाँ पे एक बच्चा जो अपने को JEE एडवांस को लेकर चल रहा है वो अच्छा थिंकर होना चाहिए, अच्छा थॉट प्रोसेस आना चाहिए, अच्छा विजुलाइज करने वाला होना चाहिए, अच्छा इमेजिन करने वाला होना चाहिए, वहाँ पर अगर बच्चे की वो ग्रिप आ जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस है
क्या उसके अंदर वो एक फीलिंग आ गई है, वो हर क्वेश्चन को डील कर सकता है, सब्जेक्ट की फीलिंग से अपना स्कोर प्रोड्यूस करने की झील कर सकता है। वो बच्चे जब समझ जाते हैं तब तो जो एडवांस के लिए करते हैं, लेकिन जिसको लगता भी मेरे बस का नहीं है, तो जो तीसरी वैरायटी की बात कर रहा था उसमें ये बात आ गई, उनको लग गया यार IIT हमारे मतलब का नहीं, हमको कुल मिला के आगे जगह करना है, सक्सेसफुल बनना है। आज केवल IIT में 8 IIT की जो मैंने आपसे बात करी, अगर उसके अलावा कहीं जाते हो तो उनकी वैल्यू नहीं है, फिर आपको टेक्नोक्रेट के हिसाब से आगे आपको MBBS करना पड़ेगा या कोई फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि जल्दी शुरुआत हो जाए। उन्होंने क्या सोचा, कोई बात नहीं यार, 2 अटेम्प्ट तो हो गए हैं, अभी इतना ऐसा स्कोर नहीं आया, चलो ऐसा करते हैं और ढंग से करके फोकस करें जेई में इसके स्कोर पे, और एक अच्छी NIT जो कि 8 IIT के बाद उनका नंबर आता है, जैसे कि NIT कौन कौन सी, NIT त्रिची है, वारंगल है, कालीकट है, नागपुर है, सूरत है, भोपाल है, जयपुर है, इसमें जाना अच्छा है। तो तीसरी वैरायटी में बच्चे अभी भी जेई मेंस को लेकर चल रहे हैं और वो अपने दिमाग में सेट कर चुके हैं कि हमको जेई मेंस के अच्छे स्कोर से एक अच्छी NIT से अपना कैरियर चालू करना है, और 4 साल के बाद जब आप अपने को MBA के किसी भी अच्छे एंट्रेंस में ले जाएंगे, वो IIM हो या कोई भी अच्छा टॉप लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो MBA का, तो कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इससे पहले क्या किया था। अगेन वो बात कह रहा हूँ जो पहले भी कहता था, आपका पास्ट रिकॉर्ड कुछ काम नहीं आता है, प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चे उस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये तीसरी वैरायटी हो गई। चौथी वैरायटी बच्चों क्या है, जो सोच रहे हैं यार मुझे भी इंजीनियर बनना है, 2 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक वो तैयारी नहीं हो पाई थी, अभी भी कुछ कसर रह गई थी, कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, अभी जो समय मिला है उसमें और कोशिश करते हैं, अगले अटैम्प जो भी होगा उसके हिसाब से और पहले से अच्छा स्कूल आएंगे, ताकि हमको भी कोई ना कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बच्चे ध्यान रखना, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत हैं इंडिया में, इसलिए अगर आपने बस लगातार पढ़ाई करते रहे और आप उसके लिए जेई मेंस को ढंग से देने चले गए और जितना आपको आता है उसको तसल्ली से फोकस करके ढंग से करके आ गए, यहां वापस वही बात पर जोर दे रहा हूं, एक तो कंट्रोल करना ताकि लालच में ना फंस जाओ, और दूसरा जो करो उसको बिल्कुल फोकस होके पूरे पेशेंस के साथ पूरी तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से उसके ऑप्शन को एनालिसिस करना, तसल्ली से फोकस होके टिक करना, और जो भी आपका ऑनलाइन पैटर्न है उस पर ढंग से उसको जो आपका तरीका होता है मार्किंग करने का उसको करना, ताकि जो करो उसमें आपका स्कोर आगे बढ़ता जाए। बस अगर आपने पेशेंस और कंट्रोल और इस तरह के फोकस होकर पूरा कंसंट्रेट होकर अगर आपने अपने जो भी 3 घंटे के टाइम में जितना आपको आता है सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ, अगर आपने इस चीज़ को भी चरितार्थ कर दिया, इस लाइन को भी आपने फॉलो कर लिया, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके नाम के आगे 2021 में कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से आप लिख सकते हो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। वो ब्रांच कौन सी होगी अलग बात है, लेकिन आप भी इंजीनियर बन सकते हैं। ये कहीं मत सोचना कि यार मेरे को इंजीनियरिंग के हिसाब से कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार समथिंग इज बेटर नथिंग के हिसाब से वो चौथी वैरायटी के बच्चे भी आराम से इस तरह से अपने को इस मोमेंटम के साथ लेके चल सकते हैं। अब यहां पर ये 4 वैरायटी के बच्चे हो गए। अब मैं अगर एडवांस की जगह इस समय जेई मेंस की बात करूं तो बच्चों के दिमाग में वही बात चल रही जो नीट के बच्चों में था कि यार डेट क्या होगी। अरे आपको मालूम है कि अभी गिनती के 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 2 अटेम्प्ट जरूरी हो, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। किसी को मालूम था कि कभी आपके सारे सभी तरह के बोर्ड्स, कुछ स्टेट को छोड़ दीजिए अभी, आप अभी आपके कुछ स्टेट हैं जिसने कुछ नहीं बोला, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश है, आसाम है, त्रिपुरा है, पंजाब है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला कि 12 बोर्ड के बच्चों को हम क्या कर रहे हैं। और ये भी मालूम है जिसने एग्जाम ले लिया, जैसे बिहार ने, उनका तो पहले ही बोर्ड हो गया था, लेकिन किसी को क्या मालूम था जिसमें एग्जाम नहीं हुआ उसमें कैंसिल हो जाएगा। ये 2021 के हिसाब से जो कोरोना टाइम निकला है इसमें किसी को कुछ नहीं मालूम था, अलग अलग तरह के चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हर दिन कुछ ना कोई नई बातें आ रही। जो भी नई बात आई है वो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रही होगी, कुछ ना कुछ खलबली मच रही होगी, उसको भी अपन बात करेंगे। लेकिन अभी आ जाओ यहाँ पे, जब आपके लिए 12 बोर्ड कैंसिल ऐसे हो सकता है अचानक, हो सकता है कि टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट सोचे हम 2 अटेम्प्ट क्यों करें, हम एक ही ले लें। इसलिए ये मत सोचना अभी तो 2 अटेम्प्ट बाकी है, ऐसी भी क्या, हमेशा मान के चलना जो देने जा रहे हो वो आपका फाइनल अपने डेस्टिनेशन का मेन एग्जाम है, ताकि आपका जुनून उस तरह का हो, उस तरह की जिद हो, उस तरह का जोश हो, उस तरह का जज्बा हो, उस तरह की सनक हो, और ताकि अपना बेस्ट करके उठे। हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी हो ये लाइन लेके चला करो, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक ट्वाइस, ताकि आपके अंदर हमेशा एक बर्निंग डिजायर होगी कि मुझे अपना बेस्ट करना है। तो जो आपके पास आगे अटेम्प्ट है, कोई अगर 2 की जगह अगर गवर्नमेंट 1 कर दे तो
तो आप में से बोले हम तो कोर्ट में रिट लगा देंगे, कुछ नहीं होने वाला, ये सब फालतू बातें हैं, इसलिए इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये फोकस करो कि आपका अगला जो अटेम्प्ट जब भी आएगा उसकी जो भी डेट होगी, मैं उसमें अपने इस ट्रैक पर अपना बेस्ट करते हुए उस दिन फाइनल डे मुझे अपना बेस्ट करके आना है। अभी जो कुछ भी बाकी है उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ना है, अभी के ट्रैक पे तो लेके चलना है, पिक्चर अभी बाकी है और फाइनल डे मैं कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। इस अंदाज में अपनी पढ़ाई को करिए। अब मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ी सी जेई मेंस के सिलेबस और एडवांस में डिफरेंस है, जो हमको स्मार्टनेस की प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। ठीक है साहब, आपका जेई मेंस के अंदर हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो केवल जेई मेंस में होते हैं, एडवांस में नहीं होते, और उसमें सीधे क्वेश्चन हलवा की तरह आते, गप कर जाओ, उसमें कोई आपको अपना दिमागी जलवा नहीं दिखाना है। आप आराम से, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपका एक आपने सुना होगा लॉजिक गेट, ऐसी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी विस्कोसिटी, ऐसे कई टॉपिक हैं जो सीधे केवल जेई मेंस में आते हैं, एडवांस में उनका कोई सिलेबस से कंट्रीब्यूशन नहीं है और उसके क्वेश्चन इतने सीधे होते हैं आप खटाक से कर सकते हो। इसलिए बस हल्का सा उनको पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़िए आराम से, जो पढ़ोगे इधर भी फायदा होगा, उधर 12 के हिसाब से भी अगर बोर्ड एग्जाम होता मान लो तो उसके फायदे के हिसाब से वो भी अच्छा तैयार होता, उसमें भी आप स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने आराम से इनको कर लिया, हर से एक एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ऐसी मैथ्स में अगर बोलूं तो मैथ्स में आपके सेट्स एंड रिलेशन, ऐसे मैथमेटिकल लॉजिक्स जस्ट लॉजिक गेट की तरह, और ऐसे आपका चलता है, आपने पढ़ा होगा 3M कंसेप्ट, स्टैटिस्टिक्स वाली बात, कौन सी बात, एक आपका मीन, एक आपका मीडियन और एक मोड, जो आपके एक एक अगर एक घंटे में भी कर लोगे, एक बार पहली बार पढ़ लोगे तो मालूम पड़ा आपका हर से एक एक क्वेश्चन तैयार हो गया, 3 घंटे में 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये स्मार्टनेस है, इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, तो जेई मेंस में आप आराम से ऐसा स्कोर कर सकते हो। एडवांस के हिसाब से जो भी डेट आएगी आ जाएगी, हम तो इतना लेके चलेंगे, बस अभी अपना केवल ध्यान रखो कि जो एट प्रेजेंट आपको मिला है उसमें हम करते चले जाएं। मैंने शुरू में कहा था आज जो भी आपके लिए एकदम नई बात आई उसको भी समझ लो। अभी एक स्कीम आई है असेसमेंट की आपके लिए, जो गवर्नमेंट का बेस्ट तरीका हो सकता है प्रैक्टिकली, उसमें दे दिया कि साहब आपका 10 का हम यूज़ करेंगे, जो आपका एज ए इंटर असेसमेंट है उसका यूज़ करेंगे 30%, 11 का करेंगे 30% और 12 का करेंगे 40%। अब उसको आगे ढंग से जब एक्सप्लेन किया तो मालूम पड़ा भाई 10th में तो आपको अच्छा फेवर कर लिया कि आपके 5 सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उनका लेंगे स्कोर, और जो आपका 11th है उसमें आपका जो है उसका 30% लेंगे। लेकिन आप सब जानते हो जब बच्चा अपने लिए जेई और नीट की बात भी अगर कह दूं, जो कैरियर के एग्जाम के हिसाब से 10 के बाद चालू कर देता है, वो कभी 11th में स्कूल में पढ़ाई क्या चल रही से मतलब नहीं, उसको स्कूल में कोई इंटरनल असेसमेंट हो रहा मतलब नहीं, वो सोचता है लास्ट में फाइनल एग्जाम देंगे उस पर जो नंबर आ जाएंगे। और ये बात अगर 12th में बोले तो और दिक्कत है, यहाँ तो बच्चा सोचता है 12th के अंदर कि 12th में तो हमको अपना सिलेबस केवल देखना है कि ऐसा तैयार करें कि अपना बेस इतना अच्छा तैयार जाए कंप्यूटर एग्जाम के हिसाब से कि लास्ट में अगर हम बोर्ड एग्जाम दें तो उसमें आराम से 95-97% आ जाएंगे, और ऐसा बच्चा करते आ रहा है। लेकिन ये कोरोना टाइम में ऐसा एकदम कोई नया तरीका आ जाए किसी को नहीं मालूम था, इसमें मालूम पड़ रहा है कि आपके इसमें इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जो स्कूल में उसका कुछ वेटेज है, जो मिड टर्म है उसका कोई वेटेज है, और जो प्री बोर्ड आपने दिया उसका वेटेज है। अब बच्चों को लग रहा है एकदम इसका क्या होगा, आपको एक बार तो लग रहा है कि यार एग्जाम नहीं हो रहा आप फ्री हो गए, वो अंदर खुशी आ गई, लॉटरी लग गई, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि आगे जाके जब आज से 4 साल बाद 6 साल बाद आप अगर मान लीजिए कहीं पर किसी भी जगह अपने लिए बाहर पढ़ने जाते हैं, एब्रोड जाते हैं, किसी टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ आपका ये 10th और 12th का बोर्ड का परसेंटेज बहुत काउंट होगा। जब आप अपने लिए जॉब में जाते हैं, कोई प्रमोशन होना पड़ता है तो आपको देखना पड़ता है कि आपके कंपनी में किसकी क्या परसेंटेज है, वहाँ अगर आपको देखना है तो वहाँ भी देखना पड़ता है कि किसकी 10th और 12th की परसेंटेज क्या है। तो आगे फ्यूचर में कोई ब्लंडर ना हो जाए इसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी से ध्यान रखो कि आगे आपको कहीं ऐसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए कि आपका सीनियर भी आपसे ऊपर है, जूनियर भी आपसे ऊपर है, क्योंकि कारण यह है कि आपके इस कोरोना टाइम के कारण आपके ये मार्क्स कम डेवलप हुए, जो कि इन्होंने असेसमेंट का तरीका बताया है। इसलिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सिंपल तरीका। अब उल्टा चलो, अभी आपका नीट का एग्जाम या जो भी जेई का एग्जाम, अभी दोनों के लिए कॉमन बात कर रहा हूँ क्योंकि बात वापस बोर्ड की आ गई है, अगर आप इस समय अपने लिए जेई और नीट के हिसाब से जो आपका ट्रैक है मेंस का हो या नीट का हो, जब उस एग्जाम को फोड़ देते हो, क्रैक कर देते हो, मतलब मैं ही बोलूं अपना जो अभी फोकस है उसको मत तोड़ो मत छोड़ो, लगातार अपने लिए
आपका जो है जेई या नीट उसको फोड़ो और उसके बाद अपने लिए अच्छे तरह से नंबर जोड़ो और लगातार मंजिल की ओर दौड़ो, ये अपना ट्रैक लेके चलो। उसको अच्छी तरह फोड़ने के बाद जब इतना अच्छी तैयारी आपकी, वो एनसीईआरटी, क्योंकि दोनों जगह एनसीईआरटी, नीट में भी आती है, जेई मेंस के लिए भी आती है, उनको कर लिया तो उसके बाद आराम से आप बोलेंगे हम तो चाहते हैं कि हमारा बोर्ड का एग्जाम भी ले लो, ताकि हमें आगे 4 साल 6 साल बाद दिक्कत ना है, कोई ब्लंडर ना हो जाए हमारे साथ। इसलिए आप आराम से बोलो कि अब अगर आप उस एनसीईआरटी को जितना अच्छी तरह से या तो नीट के लिए जेई के लिए कर चुके हो, अगर आपका इस समय बोर्ड का एग्जाम ले लिया जाएगा ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपका आराम से अबाउ 90% प्लस, अबाउ 90% होगा, 95-97% आराम से बच्चे लेके आते हैं, जब लास्ट में केवल वो एग्जाम देने चले जाते हैं, जबकि साल भर वो अपने कंपनी एग्जाम के हिसाब से एनसीईआरटी को यूज करते हैं। जब एनसीईआरटी आपके टिप्स पर आ जाएगी, जो आपको पहले बता चुके हैं कि आपके लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आज जेईई मेंस के हिसाब से बोलूं तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के हिसाब से आपको वहां पे पूरा पीछे जो आपका क्वेश्चन बैंक है, यहां तक कि जेईई मेंस के हिसाब से एडिशनल प्रॉब्लम है जहां पे अप्रोच थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच होता है, और जो आपके पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर हैं, जो सॉल्ड एग्जांपल है, वो सब देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी पूरी फैमिलियर हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैथ्स तो वैसे स्कोरिंग है उसमें से कोई बात नहीं है, तो आप आराम से अपने लिए एनसीईआरटी के हिसाब से इतना अच्छा तैयार कर लेंगे कंपनी एग्जाम के हिसाब से अपना बेस, कि आपको वहां पे अगर बोर्ड का एग्जाम आपके लिए जो कि फैसिलिटी है, आपसे ये असेसमेंट का तरीका बता रहा है, ये क्राइटेरिया कह रहा है, अगर आपको अपने मार्क्स सही नहीं लगते तो हर बच्चे को जब जनरल कंडीशन हो जाएगी, एक नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, आराम से हम फिजिकली आपका एग्जाम बोर्ड का कंडक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों का आराम से जिसको एग्जाम देना है उसको हम फ्री रखेंगे कि वो आराम से बोर्ड का एग्जाम दे। तो मैं आपको यहाँ पर हल्का सा आगे के 4 साल 6 साल बाद कभी कोई ब्लंडर ना हो जाए आपके साथ फ्यूचर में, उसके लिए कह रहा हूं आप प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को अवॉइड मत करना, और आराम से दिल से मन से जोड़कर बोर्ड एग्जाम भी देके आना, ताकि आपके आगे के लिए अपने को बहुत सुरक्षित कर लेंगे। अब प्रेजेंट में आ जाएं आज, अब माइंड टाइम एनर्जी नहीं करनी वेस्ट, डोंट वेट फॉर एनी डेट, इफ एनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वी विल गेट, डेफिनेटली वी विल अपडेट, यू जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज गेट। अपने टारगेट गोल लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना और हर हाल में अपना सपना पूरा करना, इस अंदाज में चलना, टाइम विल कम आई विल बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम, इस बात का भंडा दम, लगातार अपने विश्वास हौसले के मंजिल की ओर बढ़ाना कदम, 2021 में ही जाके अपने ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके लेना दम और सिद्ध करना हमने किसी से कम। सो गो फॉर हाई, एम फॉर हाई, ड्रीम फॉर हाई, गो फॉर विक्ट्री, योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।